प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ कोविड 19 इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और कालाजार जैसी बीमारियों से के संबंध में वार्ता किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की लड़ाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर तरीके से लड़ा जा रहा है, जिसका परिणाम है कि अब तक 21 लाख लोग रिकवर हुए हैं और 7 लाख एक्टिव केस हैं। भारत 1.7% मृत्यु दर है। ब्राजील और अमेरिका की आबादी के हिसाब से हम काफी पीछे हैं। भारत में चरणबद्ध तरीके से जागरूकता चला है। कोविड 19 से हम सुरक्षित स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ हमें इंसेफ्लाइटिस से भी लड़ना है। इस पर सबसे पहला प्रहार 1977 के बाद प्रारंभ हुआ। 2005 में वैक्सीनेशन शुरू हुआ, पर वो जेई के लिए था, लेकिन हमें असली सफलता 2014 में स्वच्छ भारत अभियान से मिली। 40 साल से हर साल हजारों बच्चों को निगलने वाली बीमारी से हमें लगभग मुक्ति मिली है और वो स्वच्छ भारत अभियान से मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन में शनिवार रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी, जिसमें स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि AES से साल 2016 में 699 केस आए, जिसमें 136 की मौत हुई। साल 17 में 875 केस में से 119 की मौत। साल 2018 में 440 केस में से 41 की मौत। साल 2019 में 265 केस में 15 की मौत। साल 2020 में अब तक 80 केस और 6 की मौत हुई है। वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 20 में 95% मौत के आंकड़े कम हुए हैं। 2019 में यूपी में कुल AES के 816 केस आए, जिसमें 35 की मौत हुई। साल 2020 में 396 केस आए और 12 की मौत हुई। वहीं जेई से साल 19 में 50 केस आए, 4 की मौत हुई। साल 2020 में 19 केस आए, 2 की मौत हुई। जेई और AES का परिणाम बताता है कि बेहतर सर्विलांस बेहतर रिजल्ट ला सकता है। कोविड 19 को भी हम इसी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अगले 2 साल में हम इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, उसका परिणाम है कि 135 करोड़ की आबादी के बावजूद भारत के अंदर हम सब सुरक्षित स्थिति में हैं। और अगर मैं दुनिया और भारत की महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रस्तुत करूँ, भारत की आबादी है 135 करोड़। भारत में कुल पॉजिटिव जो केसेस हैं वह 28 लाख से ऊपर है, जो अब तक रिकवर हुए हैं लगभग 21 लाख से ज्यादा लोग अब तक रिकवर होकर के जा चुके हैं, स्वस्थ होकर जा चुके हैं और 7 लाख के आसपास सभी एक्टिव केस हैं। मृतकों भारत के अंदर लगभग 55,000 के आसपास है। अगर प्रति 10 लाख में केस हम देखें तो 2,000 केस प्रति 10 लाख में भारत के अंदर है, और प्रति 10 लाख में मृत्यु देखेंगे तो यह जो 39 मृत्यु है, 39 मृत्यु प्रति 10 लाख में है। मृत्यु दर भी भारत की 1.7 के आसपास है। लेकिन अगर हम इसी की तुलना में ब्राजील और अमेरिका के आंकड़े देखें तो अमेरिका की कुल आबादी 25,72,000 है, यानी लगभग 35 करोड़ है अमेरिका की कुल आबादी। वहां पे पॉजिटिव केस 58 लाख से ज्यादा है, एक्टिव केस अभी वहां पर 25 लाख से ज्यादा है। मृत्यु 1,77,000 से अधिक है, प्रति 10 लाख पे 17,000 से अधिक
केस हैं, पॉजिटिव केस हैं, और मेरे को प्रति 10 लाख में 525 और मृत्यु दर 3.1%। ब्राजील 21 करोड़ की आबादी का देश है, वहां पर कुल पॉजिटिव केस लगभग 35 लाख से ज्यादा है, एक्टिव केस 7.5 लाख के आसपास है, मृत्यु 1,11,000 से ज्यादा है। प्रति 10 लाख पर 16,000 से अधिक पेशेंट और मृत्यु दर अगर हम देखेंगे प्रति 10 लाख पर तो 523 है और मृत्यु दर देखेंगे 3.2% है। यानी भारत ने लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से जागरूकता का जो कार्यक्रम चलाया और उसके बाद भी अवेयरनेस के कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चले हैं उसका परिणाम है कि कोविड-19 से भारत एक सुरक्षित स्थिति में है और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। यही स्थिति हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी लागू की और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम कोविड-19 की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर देखेंगे देश के बड़े राज्यों में तो उत्तर प्रदेश की मृत्यु दर, पॉजिटिविटी की दर ये सबसे कम है और सबसे अधिक टेस्ट देश के अंदर वर्तमान में उत्तर प्रदेश करा रहा है। इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई में हर एक तबके का योगदान जिस मजबूती के साथ मिला है अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश मिलकर इस लड़ाई को जिस मजबूती के साथ लड़ा है उसका पालन हमें तब तक करना होगा जब तक कोई वैक्सीन या इसके लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं हो जाती है। और हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए व्यापक जागरूकता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। कल मैंने वाराणसी में इसकी बैठक ली थी, आज मैं गोरखपुर में फिर से इसकी बैठक लिया हूँ और हर एक स्तर पर कोरोना वायरस प्रशासन है, सब हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वच्छता के कर्मी हैं और अलग अलग उस फील्ड में कार्य करने वाले लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासतौर पर गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी पिछले 40 वर्षों से जिस एक अन्य त्रासदी से जूझता और खासतौर पर इस सीजन में वह था दिमागी बुखार, मस्तिष्क पर इंसेफ्लाइटिस पर सबसे पहला प्रहार 1977 के बाद तब प्रारंभ हुआ जब यहां पर 2004-05 में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। लेकिन वैक्सीनेशन केवल जापानी इंसेफ्लाइटिस से हुआ, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के लिए आज तक कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं बनी। लेकिन मस्तिष्क ज्वर के दोनों वायरस को नियंत्रित करने में जो हमें सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई वह हुई स्वच्छ भारत मिशन के कारण। तो अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया था जिसमें स्वच्छता के प्रति आम जन को जागरूक करने के साथ ही हर उस परिवार में जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय देने का कार्य किया। आप याद करिए आज से 5 साल पहले गांव में व्यक्ति पैदल नहीं घुस सकता था, जगह जगह गंदगी मिलती थी, वहीं के वातावरण को खराब नहीं करती थी, जन स्वास्थ्य को व्यापक प्रभावित करती थी।
खुले में शौच नारी गरिमा के प्रति कोई नहीं था, लेकिन आज स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम इस रूप में सामने आया। अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के दौरान 3 करोड़ से अधिक टॉयलेट बने, और इसमें पिछले 3.5 वर्षों के दौरान 2,61,00,000 से अधिक शौचालय बनाने का काम हुआ है। प्रत्येक उस परिवार को देने का कार्य हुआ जिसके पास शौचालय नहीं है, और यहीं से प्रारंभ होती है इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई। तो मजबूत लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, और वही आंकड़े आप लेकर के मैं आपके पास आया हूँ कि यह मीडिया के संज्ञान में भी आना चाहिए कि वास्तव में एक एपिडेमिक जो 40 वर्षों से प्रतिवर्ष 1,000, 1,200, 1,500 बच्चों को उस समय निकल रही है। अगर हम लोग एक मिशन मोड में कार्य दे रहे उसका कैसे उन्मूलन किया जा सकता है, इनसे प्रैक्टिस के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई उसका एक उदाहरण है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा कारगर उपाय उसने स्वच्छ भारत मिशन का रहा। इसके साथ ही हम लोगों ने 2017 में स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में एक अंतर विभागीय समन्वय का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हमने इस लड़ाई को प्रारंभ किया। नगर विकास और ग्राम विकास, पंचायती राज को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जिम्मेदारी दी। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य के जागरूकता के साथ साथ निचले स्तर पर यानी बीएससी स्तर पर, सीएससी स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को प्राप्त हो सके इसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया गया, और इनकी सबकी स्थापना वहां पर कराई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जहां पर ज्यादा केसेस थे वहां पर मिनी क्लिनिक की भी स्थापना की गई, पीडियाट्रिक्स की आईसीयू की स्थापना की गई। गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 से 15 बेड का आईसीयू बनाया गया। सर्जिकल सिस्टम को मजबूत किया गया, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई, अवेयरनेस के कार्यक्रम चले, ट्रेनिंग के कार्यक्रम चले, महिला और बाल विकास के द्वारा व्यापक पैमाने पर पुष्टाहार के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक उन लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम हुआ। बेसिक शिक्षा विभाग ने अवेयरनेस के कार्यक्रम प्रारंभ किए और आज उसका परिणाम था कि हम लोगों ने बीमारी और मौत के ऊपर काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त किया। मेरे पास आंकड़े हैं, अगर मैं पिछले पिछले 4 साल के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से आप देखें कैसे वर्ष दर वर्ष हम इसको नियंत्रित करते गए। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम 2016 699 के साथ 136 की मौत होती है। 2017 केस आते हैं 875, लेकिन मौत 119। 2018 में 440 कुल केस आते हैं, मौत होती है 41। 2019 को 265 केस आते हैं और मौत होती है 15 की, और 2020 में कुल 80 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के केस आए हैं जिसमें 6 मौत हुई। ये गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी का समग्र वो है, 7 जनपद जो ज्यादा इससे ग्रसित थे उनकी ये कुल डाटा है। जापानी इंसेफ्लाइटिस में भी इसी प्रकार से आप देखेंगे 2016 में 36 पेशेंट ग्रसित होते हैं, 9 की मौत होती है। 2017 में 51 ग्रसित होते हैं, 9 की मौत होती है। 2018 में 47 ग्रसित होते हैं, 3 की मौत होती है। 2019 में 32 ग्रसित होते हैं, 5 की मौत होती है। 2020
20 में 6 ग्रसित होते हैं, एक मौत होती है। यानी लगातार वहां मौत के आंकड़े नीचे की ओर जा रहे हैं। इस चीजें इस बात को बताती हैं कि इंसेफ्लाइटिस पर काफी हद तक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें अंतर विभागीय समन्वय के साथ साथ लोकल स्तर पर आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रत्येक स्तर की निकायों ने, ग्राम पंचायतों ने, स्थानीय निकायों ने भी इस कार्यक्रम में अपना योगदान देकर के जो इस मिशन को सफल बनाया है उसका परिणाम है। अगर 2016 की से हम तुलना करें तो 2016 की तुलना में 2020 में मौत के आंकड़े 90-95% कम थे और ये अपने आप में एक सफलतम कहानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिमागी बुखार के प्रति इस लड़ाई को सामने रखते हुए दिखाई देता है। अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करूं तो ये आंकड़े हमारे सामने और भी अच्छे ढंग से सामने आ जाते हैं। 2019 में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के कुल 816 पेशेंट सामने आए थे जिनमें 34 की मौत हुई और 2020 में कुल 396 पूरे प्रदेश से एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट आते हैं जिनमें 12 की कुल मौत होती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस से पूरे प्रदेश में 2019 में 50 पॉजिटिव केस आते हैं जिनमें से 4 की मौत होती है। 2020 में कुल 19 पेशेंट आते हैं जिनमें से 2 की मौत होती है। मलेरिया में कोई मौत नहीं है। डेंगू में पिछले वर्ष इस समय तक 135 पेशेंट आ गए थे, 2 की मौत हुई थी, इस बार 32 पेशेंट आए थे, सभी रिकवर होकर के जा चुके हैं। ऐसे ही चिकनगुनिया और काला जार आदि है, सभी को पूरी तरह नियंत्रित करने में इस बार व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी स्वच्छता को, सैनिटाइजेशन को इसका एक पार्ट बनाया। दूसरा जो हमें सबसे बड़ी मदद मिली वह है कि लॉकडाउन के बाद जब हम अनलॉक में आए, ये जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ये विषाणु जनित बीमारियां जितनी भी है, चाहे वह इंसेफ्लाइटिस हो, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इन सबको लेकर व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के साथ साथ इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अन्य कार्यक्रम को लिया कि हम लोग साप्ताहिक बंदी अब किसी अन्य दिन नहीं, शनिवार रविवार को करेंगे और शनिवार रविवार को साप्ताहिक बंदी में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर करेंगे। और उस कार्य का पूरा उपयोग करते हुए जब एक अभियान चला तो उसके लिए व्यापक परिणाम सामने आ रहे हैं। जो आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है उसी के उदाहरण है कि आज इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के अंतिम स्टेज पर हम हैं और अगर हम लोग एक दो वर्ष इसको और इसी गति के साथ आगे बढ़ाते हैं, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, आम जन की सहभागिता से, तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि 40 वर्षों से जो मासूम तड़प तड़प करके यहाँ पर असमय मौत के काल में समा जाते थे, काल के काल में समा जाते थे, हमेशा के लिए इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार को और हर प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज को हम लोग समाप्त कर सकते हैं और एक सफलतम कहानी इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन की पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, बस्ती कमिश्नरी से हम लोग देश और दुनिया के सामने रखने में सफल हो सकते हैं। और इस सर्वोत्तम कहानी का उदाहरण इस रूप में हम लोगों ने आज आपके सामने मुझे प्रस्तुत करना मैंने उचित समझा, इसलिए मैंने आपके सामने ये मामले यहाँ पर रखे हैं। मुझे यहाँ पर जो आंकड़े अभी भी आए हैं खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए, देखिए दो
2019-2020 में अभी तक जो पेशेंट आए हैं, यह 7 गोरखपुर में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित हुए हैं, कोई मौत नहीं है। कुशीनगर में 85 ग्रसित हुए हैं, कोई मौत नहीं है। महाराजगंज में 52 ग्रसित हुए हैं, 4 मौत महाराजगंज में हुए हैं, और देवरिया में 55 ग्रसित हुए हैं, 2 मौत वहां पर है। ऐसे जापानी इंसेफ्लाइटिस का 5 गोरखपुर में ग्रसित हुए हैं, सभी रिकवर हो गए। कुशीनगर एकदम ठीक है, महाराजगंज 1 ग्रसित हुआ है, कोई मौत नहीं। देवरिया कोई मौत नहीं, कोई ग्रसित नहीं हुआ, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यानी जनपदों में भी अलग अलग जनपद जहां पर व्यापक पैमाने पर बीमारी होती है, वहां पर भी काफी हद तक इसको नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। ऐसे ही 2019 में स्थिति थी, 2019 में गोरखपुर में अब तक यानी 28 अगस्त तक 108 पेशेंट आ चुके थे, जिसमें 6 मौत हो गई थी। जापानी इंसेफ्लाइटिस से 2 ग्रसित हो चुके थे, 1 मौत हो चुकी थी। 2019 में कुशीनगर में 28 अगस्त तक 78 पेशेंट एईएस के आ चुके थे, 4 की मौत हो चुकी थी। 6 जापानी इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट आ चुके थे, मौत नहीं थी। महाराजगंज में 2019 में 72 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट आ चुके थे, 4 मौत हो चुकी थी। जापानी इंसेफ्लाइटिस से 11 ग्रसित हो चुके थे, 1 की मौत हो चुकी थी। देवरिया में 2019 में 28 अगस्त तक 78 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट आ चुके थे, 4 की मौत हो गई थी, और जापानी इंसेफ्लाइटिस से 4 ग्रसित हो चुके थे, 1 की मौत हो गई थी। तो ग्रसित करते हैं कि 3 वर्ग बेहतर रिजल्ट दे सकता है, बेहतर सर्विलांस डेथ रेट को न्यूनतम स्तर पर ला सकता है, और ये जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के मामले में या डेंगू के मामले में, और यही बेहतर सर्विलांस को लेकर के हम लोगों ने कोविड-19 को लेकर के भी इसी मामले को लेकर के हम लोगों ने जोड़ दिया है कि अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो काफी हद तक हम लोग कोविड-19 को भी नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। मैं आप सबको भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि इंसेफ्लाइटिस की इस लड़ाई को हम लोग पिछले 20-25 वर्षों से लड़ते थे, और मुझे वो समय भी याद है जब इंसेफ्लाइटिस के लिए लोकल स्तर पर एक ओलंपिक न्यूज बनती थी। तब प्रिंट मीडिया ही ज्यादा था, विजुअल मीडिया नहीं था। बाद में मीडिया ने इसकी कवरेज देनी प्रारंभ की, शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना प्रारंभ किया, और फिर उस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया था, जिसका परिणाम आज हमारे सामने इस रूप में सामने आ रहा है कि हम लोग अब इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और मेरा विश्वास है कि अगले 2 वर्ष के दौरान का टारगेट रखते हुए इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया या इस प्रकार के जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, इन सब का पूरी तरह उन्मूलन करने में हम लोग सफल होंगे। मीडिया के सकारात्मक रूप के लिए भी मैं मीडिया को, उससे जुड़े हुए सभी रिपोर्टर्स को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे यही आप सबसे कहना था।